हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू पढ़ाई से दोस्तों वन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज नेशनल रिसर्च दैट इज लोकेटेड एट चेन्नई सो इस इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला गया है आप यहाँ पे देख सकते हो नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च चेन्नई एंड अटैच ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोजेक्ट इन कोस्टल रिसर्च टू प्रोवाइड सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन सोल्यूशन एंड सर्विसेज फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल एरिया ओके तो ये जो कोस्ट लाइन है इसको मैनेज करने के लिए इसके बारे में नए नए चीज़ें जानने के लिए उसके कंजर्वेशन के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए और अदर मरीन सर्विसेज को और अच्छे से डेवलप करने के लिए यह संस्था काम करती है तो इस ऑर्गेनाइजेशन में टेम्पररी बेसिस पे मतलब एक साल के लिए फॉलोइंग वैकेंसीज ये लोग फिल कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट नेम नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड मंथली इमोल्यूमेंट ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी थ्री तीन वैकेंसीज है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी टू थर्टी फाइव प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी वन ट्वेंटी नाइन है सीनियर रिसर्च फेलो चार वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट का एक वैकेंसी है और फील्ड असिस्टेंट के नौ वैकेंसीज है यहाँ पे मंथली uh, एमोलमेंट देख सकते हो काफ़ी अच्छा है इसमें एच और बाकी अलाउंसेस मिला के ये और भी अच्छा होगा वर्किंग लोकेशन आपका चेन्नई होने वाला है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ओके सो मोर डिटेल ऑन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नेचर ऑफ वर्क एलॉन्ग विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन एन वेबसाइट यहाँ पे वेबसाइट का ये एड्रेस दिया है वेबसाइट पेज का आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो ओके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 जुलाई से चालू होने वाला है दोस्तों लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20 अगस्त कम से कम लगभग एक महीने का ये टाइम फ्रेम इन्होंने दिया है जब ये आप एप्लीकेशन फिल करोगे उसके बाद इसका हार्ड कॉपी निकाल के आपको ये हार्ड कॉपी विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या, या इनका जो चेन्नई का कैंपस है उस एड्रेस पे आपको सेंड करना है वाया स्पीड पोस्ट ओके तो उसका लास्ट डेट है ट्वेंटी ऑफ ऑगस्ट शाम को पाँच बजे तक ओके सो so, ये एक नोटिफिकेशन है इसके नीचे आप यहाँ पे इधर देख सकते हो डिटेल ऑफ पोस्ट पोस्ट कोड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन नेचर ऑफ वर्क अदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है यहाँ पे दी हुई है तो हर एक पोस्ट के हिसाब से उनकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ऑफ एंड नेचर ऑफ वर्क किस तरीके से होने वाला है तो ये सारी बातें यहाँ पे दी गई है सो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी थ्री एक पोस्ट है मरीन बायोलॉजी एंड मरीन लीडर तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में एक साइंटिस्ट थ्री कैटेगरी का पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट कोड आप देख सकते हो ये जो पोस्ट कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका क्या यूज होने वाला है मैं आगे बताऊंगा यहाँ पे आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हो मास्टर डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस विथ सिक्सटी मार्क और रिलेटेड डिग्रीज विच इज़ रिलेटेड टू द मराइन बायोलॉजी एंड लेटर यहाँ पे पूरा uh, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है मिनिमम सेवन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग वेरियस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एनालिसिस ऑफ केमिकल ओशनोग्राफिक पैरामीटर्स ओके तो इसके रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डिज़ायरेबल क्या है यहाँ पे पीएचडी अगर आप पीएचडी होल्डर है तो आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी ये डिज़ायरेबल है नेचर ऑफ वर्क यहाँ पे दिया है जो भी कैंडिडेट इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क देख सकते हैं मैं हर एक नेचर ऑफ वर्क और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन डेप में नहीं जाने वाला जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूंगा बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से और Uh, किस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी थ्री मरीन बायोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी इस पर्टिकुलर फील्ड की भी एक पोस्ट है देन वी हैव ओशियन ऑब्जर्वेशंस इसके रिलेटेड एक पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी थ्री के लिए हाइय पेस के लिए इस पर्टिकुलर uh, कैटेगरी में ओके और उसके बाद आती है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट लेवल टू इसमें तीन पोस्ट है कोस्टल जियोमार्फोलॉजी एंड मैपिंग के लिए ओके okay, देन उसके बाद है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टू की पोस्ट सात पोस्ट है रिमोट सेंसिंग एंड जे सो दोस्तों जिन्होंने भी रिमोट सेंसिंग और जे के फील्ड में मास्टर डिग्री हासिल की है या वो पी होल्डर है इस पर्टिकुलर फील्ड में तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो मास्टर डिग्री इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स जियो रिमोट सेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट फर्स्ट क्लास नॉट लेस देन सिक्सटी परसेंट मार्क ओके इसमें बी बी टेक अगर आपने किया है जियो मैटिक्स में या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में रिमोट सेंसिंग सिविल और इक्विवैलेंट फ्रॉम रिकोग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ सिक्सटी परसेंट मार्क्स अगर आपको है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इसके साथ साथ और एक इन्होंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला है मिनिमम तीन साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च फील्ड में विथ सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग जी आई एस मैपिंग वेब जी आई एस एप्लीकेशन शोरलाइन चेंज स्टडीज कोस्टल वनराबिलिटी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिलेटेड टू कोस्टल जोन मैनेजमेंट यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जे आई एस एप्लीकेशन तो अगर आपने कोस्टल फील्ड एप्लीकेशन में रिमोट सेंसिंग और जे आई एस का यूज़ करके कोई भी रिसर्च डेवलपमेंट फील्ड में काम किया है या जी आई एस मैपिंग के रिलेटेड कोई आपका एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ओके नेचर ऑफ वर्क यहाँ पे दिया है हर एक पोस्ट के लिए नेचर ऑफ वर्क थोड़ा थोड़ा अलग है तो आपके इंटरेस्ट की जो पोस्ट है उस हिसाब से आप वो देख लेना एक बार साइंटिस्ट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी टू मरीन स्ट्रक्चर के लिए ये है दो पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी टू फ्लड मॉडलिंग आपको पता होगा कोस्टल एरिया है तो बहुत सारी नदियाँ समुन्द्र को जाके मिलती है और जो हमारा वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट है वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होता है तो उसके वजह से फ्लडिंग एक कॉमन सिचुएशन है तो फ्लड मॉडलिंग के लिए भी उनको एक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी टू की पोस्ट यहाँ पे दी है देन कोस्टल डायनेमिक्स की चार पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद है मरीन बायोलॉजी प्लैंकटोन एंड बेंथॉस ओके सो जो भी फाइव होते हैं कोरल रिप्स होते हैं तो उनके स्टडी करने के लिए पर्टिकुलरली ये सात पोस्ट है ओके okay? तो जो भी कैंडिडेट जिनका बायोलॉजी जूलॉजी बैकग्राउंड है लाइफ साइंसेस से वो बिलोंग करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस और इक्वाइलेंट उनके पास कोई डिग्री है फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विद सिक्सटी परसेंट मैप मार्क्स एंड मिनिमम थ्री इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देन डेफिनेटली सच ए कैंडिडेट दे कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट ओके देन वी हैव प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी टू वन पोस्ट फॉर मरीन बायोलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी तो ये भी एक उभरती हुई ब्रांच है दोस्तों माइक्रो बायोलॉजी इसमें भी बहुत अलग अलग प्रकार का एक अध्ययन किया जाता है मरीन uh, जो भी हमारे इकोसिस्टम सिस्टम है उसका तो उसके रिलेटेड एक पोस्ट है यहाँ पे मरीन बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के लिए अगेन एक पोस्ट है अंडर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी टू में ओके देन वी हैव मरीन बायोलॉजी कोरल रीफ स्टडीज कोरल रीफ एक देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मरीन इको का हमारे जो अंडमान सॉरी uh, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल फॉर्मेशन से बने हुए हैं ओके okay. और बहुत सारे ऐसे uh, कोरल uh, इंडियन ओशन में uh, अरबी समुंदर में पाए जाते हैं तो उनका स्टडी करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए ये भी एक uh, पोस्ट है उसके बाद फिजिकल ओशनोग्राफी रिलेटेड एक uh, दो पोस्ट है देन मरीन केमिस्ट्री रिलेटेड तीन पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो देन वी हैव कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टू पोस्ट अंडर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टू कैटेगरी विच हैज़ वेरी गुड इन्वॉलमेंट इन दिस पर्टिकुलर जॉब एंड इफ योर परफॉर्मेंस इज गुड

ओके okay, उसके बाद है कोस्टल जियो एंड मैपिंग अगेन दो पोस्ट है अंडर अंडर प्रोजेक्ट वन, okay? GIS, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट साइंटिस्ट कैटेगरी कैटेगरी ओके देन वी हैव रिमोट सेंसिंग एंड सिक्स पोस्ट जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने अभी अभी जियो इन्फॉर्मेटिक्स किया है या बी या बीटेक किया है जियोमेट्रिक्स से या जियो इन्फॉर्मेटिक्स से या आपके पास कोई भी रिलेवेंट डिग्री है फ्रॉम रिलेवेंट यूजीसी ऑथोराइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ सिक्सटी परसेंट मार्क्स देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई और हीर ओके यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है सो so अगर फ्रेशर भी है आप तभी तो अप्लाई कर सकते हैं छः पोस्ट है रिमोट सेंसिंग एंड जी आई एस कैटेगरी में डिजायरेबल है अगर आपके पास पी एच डी है ओके okay? लेकिन आपके पास मास्टर डिग्री भी है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बेझिजक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते कोई भी आप एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया इसेंशियल लिस्ट में रखा नहीं है डिजायरेबल में रखा है उन्होंने लेकिन इसेंशियल में रखा नहीं है ओके okay? देन वी हैव थ्री पोस्ट थ्री पोस्ट फॉर कोस्टल डायनेमिक्स ओके कोस्टल डायनेमिक्स की जो स्टडी होती है उसके रिलेटेड यहाँ पे तीन पोस्ट है uh, अगर आपकी मास्टर डिग्री है ओशनोग्राफी में मरीन साइंसेस या फिजिक्स में तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ओके देन वी हैव मरीन बायोलॉजी पाँच पोस्ट है अंडर दिस प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी वन में ओके okay? तो उसके रिलेटेड क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो देन वी हैव मरीन बायोलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी अगेन वन पोस्ट वी हैव मरीन बायोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी इसमें तीन पोस्ट है अंडर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी वन ओके कंप्यूटर साइंस की भी एक पोस्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन की एक पोस्ट है मरीन केमिस्ट्री की भी एक पोस्ट है यहाँ पे उसके बाद सीनियर रिसर्च फेलो की एक पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर द मरीन केमिस्ट्री देन वी हैव माइक्रो बायोलॉजी फॉर दिस सीनियर रिसर्च फेलो मरीन बायोलॉजी दो पोस्ट है अंडर दिस सीनियर रिसर्च फेलो कैटेगरी उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट का एक ही पोस्ट है केमिस्ट्री लैब होती है तो उसमें काम करने के लिए टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी ये सिंपल सा क्राइटेरिया है यहाँ पे दो साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डिजायरेबल है नहीं भी है तो भी आप अपले आप, आप, आपके जो बैचलर डिग्री है आपने जो केमिस्ट्री के फील्ड में ले रखी है तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो फील्ड असिस्टेंट चाहिए उनको छः तो फील्ड असिस्टेंट का क्या है डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन और इक्वेलेंट फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो अगर आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में या आपके पास कोई भी साइंस की डिग्री है बी सी एस उसके बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह या बैचलर ऑफ साइंस भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ओके उसके बाद फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है तीन पोस्ट है यहाँ पे आपको उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आपको स्कूबा डाइविंग का अगर आपके पास लाइसेंस है तो बहुत अच्छा है जिनके पास ये लाइसेंस है उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों ये अलग अलग थर्टी फाइव पोस्ट थे अंडर द फाइव कैटेगरीज ओके सो आप जिस भी कैटेगरी में फिट होते हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी थ्री के लिए फोर्टी फाइव तक का एज लिमिट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी टू के लिए फोर्टी ईयर तक का एज लिमिट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी वन के लिए थर्टी फाइव ईयर एज लिमिट है सीनियर रिसर्च फेलो के लिए थर्टी टू है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फिफ्टी है और फील्ड असिस्टेंट के लिए भी फिफ्टी है ओके तो इसमें जो भी गवर्नमेंट की जो स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन पॉलिसी होती है तो उस हिसाब से ये जो भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा रिगार्डिंग द एज क्राइटेरिया वो आपको मिल जाएगा ओके एप्लीकेंट शुड नॉट हैव एक्सीडेड द एज लिमिट स्पेसिफाइड अबोव ऑन वन सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एक जुलाई दो हजार इक्कीस का इन्होंने एक डेट रखा है इस पर्टिकुलर डेट को आपका ये क्वालिफिकेशन मैच होना चाहिए एज क्राइटेरिया मैच होना चाहिए ओके okay, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर 1 जुलाई 2021 तक आपका ये एज क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन टेंथ मार्कशीट और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर एविडेंस ऑथराइज एविडेंस फॉर यूर प्रूफ एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ ओके सेम में इंक्रीज और डीक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्शन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस तो दो, देखो दोस्तों डेफिनेटली आप अप्लाई कर देना क्योंकि जो भी वैकन्सीज यहाँ पे बताई गई है ये कम भी हो सकती है या बढ़ भी सकती है ओके okay? सो so, ये कोई जनरल इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट भी अटैच अलॉन्ग विदिजिकल और हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट ओनली तो आपको क्या करना है ये एक बार आपने जो वेबसाइट है ऑनलाइन वेब पेज है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का वहां पे अगर आपने अप्लाई कर दिया है उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ जोड़ने हैं जो भी आपके फील्ड के रिलेटेड एप्लीकेबल है ओके ये जोड़ने के बाद आपको वो सारे डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट करने हैं इस एड्रेस पे यहाँ पे एड्रेस दिया है देखो

और जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे फिल करने के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का एक रेफरेंस नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है तो आपके एप्लीके मतलब जो भी हार्ड कॉपी आप सेंड करोगे वाया स्पीड पोस्ट तो उसका जो लिफाफा होगा उस लिफाफे पे आपको जो आप, आपका जो पोस्ट है उसके रिलेटेड ये वाला डेटा मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर उसके आगे पोस्ट कोड आएगा और उसके आगे रेफरेंस नंबर आएगा तो इस तरीके से आपको ये मेंशन करना है औररवाइज़ जो भी वहाँ पे पैनलिस्ट बैठे तो उनको वो सॉर्ट आउट करने के लिए दिक्कत होती है तो इसलिए उन्होंने ये मैंशन किया है यहाँ पर ओके तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बाकी जनरल गाइडलाइंस है आप देख लो एक बार यहाँ पर ओके और आप मैक्सिमम दो ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो ओके यू कैन एबल टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम टू पोस्ट और हर एक पोस्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन सेंड करना होगा ऐसा नहीं कि आपने एक ही लिफाफे में दोनों पोस्ट के डॉक्यूमेंट डाल दिए और सेंड कर दिया अगर आपको दो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भेजने हैं सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन ओवर हियर हाउ टू अप्लाई उसकी कुछ गाइडलाइंस दी है अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है यू कैन फॉलो दिस गाइडलाइंस ओके और एल्स हियर दे हैव गिवन वन मेल आई तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन था आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया है अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है डू कमेंट्स डू राइट इन कमेंट सेक्शन बिलो और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके तो मिलेंगे दोस्तों हमारे अगले वीडियो सेशन में थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे